उनका वीडियो आपको दिखा दूंगा कि वो कितना शर्मिंदा है। आदर्श भाई ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, मुझे पता है, मैंने उनका वीडियो देखा। आदर्श भाई आप बताइए, मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, अगर आपके प्रति मेरे दिल में थोड़ी सी भी निगेटिव भावनाएं होती तो मैं आपको क्यों बुलाता? लेकिन मेरी क्या लालच थी भाई, आप लोग बताते हैं। हम मन में कभी भी खलीस नहीं रखे। हमको भनीस भैया ने बोला कि तुम आ जाना, मैंने उनकी बात में आकर मैं यहाँ तक आया। आने के बाद मैंने उन्हें मैसेज किया कि भैया मैं आ गया हूँ, मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर जो इवेंट ऑर्गेनाइजर थी उनको मैंने एडजस्ट भी किया, ऐसा होटल दिया जा रहा था जहाँ पर मतलब मनीष भैया नहीं कह रहे हैं कि जो आदमी 15 दिनों से ठीक से सोया ना हो, केवल तैयारी में भिड़ा हो, अपने मतलब प्रोग्राम की तैयारी में लगा हो, वो आदमी तो रोएगा ही, उसे बुरा तो लगेगा ही, वो आदमी गुस्सा तो होगा ही। लेकिन सब पे पानी फिर गया। और उन्हें सोनू सूद सर से मिलने का लालच नहीं था, बस ऑडियंस के सामने अपना परफॉर्मेंस दिखाना था, पूरा अच्छे तरह से परफॉर्मेंस दिखाना था। उन्हें लालच नहीं था इसलिए वो रो रहे थे। कौन नहीं रोएगा, कौन नहीं गुस्सा होगा, कौन नहीं नाराज होगा, किसे नहीं बुरा लगेगा? अगर आप केवल वो आदमी रोएगा ही, और क्यों नहीं रोएगा? अपने मेहनत के बदौलत आज इतना आगे बढ़ा है, वो आदमी तो रोएगा, क्यों नहीं रोएगा? और इसमें मनीष भैया का भी हाथ तो नहीं है ना, वो भी तो शर्मिंदा है। पटना में इवेंट हुआ, सोनू सूद सर आए, तो इसमें मनीष भैया का थोड़े हाथ है, उन्होंने थोड़े बुलाया था, इवेंट ऑर्गेनाइज किए थे उन्होंने बुलाया था, मनीष भैया थोड़े बुलाया। चलो ठीक है, उनके गाड़ी में वो आ गए तो इसमें क्या बड़ी बात, गाड़ी में आना था तो आ गए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? उन्होंने ऑर्गेनाइज थोड़े किया था ये इवेंट, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था वो आपको मौका नहीं दिए, अपने बिहार के लड़कों को मौका नहीं दिए, अपने बिहार के कलाकारों को मौका नहीं दिए, तो उसमें मनीष भैया का गलती थोड़े है। चलिए आपका गुस्सा जायज है, लेकिन फिर भी मनीष भैया भी अपना मतलब बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है वो भी, कि उन्होंने ठीक है उन्होंने फ़ोन किया आपको बुलाया, वो अपना गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हमने फ़ोन किया, लेकिन फिर बाद में कहीं बिजी हो गए होंगे, खुद उनको ही मौका नहीं मिला, वो भी स्टेज पे नहीं गए थे, वो भी तो नहीं दिखाई दे रहे थे ना। उन्होंने अपना गलती एक्सेप्ट किया और वो मान रहे हैं कि मुझसे गलती हुई है। अरे गलती इंसान से ही ना होती है, भगवान थोड़े करेंगे गलती, तो क्या इतना बड़ा इशू बनाना? आपका गुस्सा लाजमी, आपका गुस्सा जायज़ है। आपकी जगह पर अगर मनीष भैया भी रहते, मैं भी रहता, कोई रहता तो गुस्सा करता, क्योंकि गुस्सा करने वाली बात ही है कि कोई बुला दे और रिसीव ना करे, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ना समझे, तो गुस्सा जायज़ है। लेकिन फिर भी वो तो ऑर्गेनाइजर के हाथ में है, वो तो खुद माना मानी कर रहा था, जिसको मन कर रहा उसको बुलाया, जिसको नहीं मन किया उसको नहीं बुलाया, तो इसमें मनीष भैया का क्या दोष है? इनमें उनका इसमें क्या दोष है? उनके हाथ में थोड़े था। चलिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, आपका ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना भी जायज़ है, ठीक है, आपने रोया, सब दुख है, मुझे भी बहुत दुख है कि आपने रोया, आपका गुस्सा जायज़ है, लेकिन भाई भाई में ही नाराज़गी होती है, भाई भाई से ही गुस्सा करता है, ठीक है, वो मान रहे हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई है, फिर छोड़िए ना, क्या इसको बड़ा इशू बनाने से क्या मतलब, क्या कुछ मतलब ही नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको हटाइए, जो बीत गया वो बीत गया, वो आज भी भाई मानते हैं और आगे भी आपको भाई ही मानेंगे, छोटा भाई मानते हैं तो छोटा भाई ही मानेंगे, उनमें उनका कोई दोष नहीं है, उनका कोई गलती नहीं है, क्योंकि मनीष भैया के हाथ में तो वो खुद शर्मिंदा है कि भाई तुमको बुलाया और कुछ नहीं हो पाया। उनका वीडियो आपको दिखा दूंगा कि वो कितना शर्मिंदा है। आदर्श भाई ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, मुझे पता है, मैंने उनका वीडियो देखा। आदर्श भाई आप बताइए, मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, अगर आपके प्रति मेरे दिल में थोड़ी सी भी निगेटिव भावनाएं होती तो मैं आपको क्यों बुलाता? मैंने पर्सनल फ़ोन किया था, ये बात सही है, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैंने फ़ोन किया था आपको, बोला था आने को, कार्यक्रम के दिन मेरा मोबाइल जो है वो व्यस्त हो गया, मेरे पास नहीं था, मैं उन सब चीज़ों में था। आप लोगों ने देखा कार्यक्रम के दिन मैं कहाँ था, सभी लोगों ने देखा, रजनीश फ़ोन उठाए थे, रजनीश स्लॉट मांग रहे थे, रजनीश सिंह फोन उठाए थे, रजनीश सिंह स्लॉट मांग रहे थे, नहीं दिया लोग स्लॉट, क्या करें, उसमें मेरी क्या गलती है बताइए? और आप कल भी मेरे भाई थे, आज भी मेरे भाई हैं और कल भी मेरे भाई रहेंगे, थोड़ी सी नाराजगी है आपको, मुझे पता है, तो भाई से ही भाई नाराज होता है, ये चीज़ है। और मैं जेन्युइनली पूछ, और रही बात
मतलब ये नाराजगी की, तो प्लीज उसे खत्म कीजिए आप। ठीक है, होती है, छोटी छोटी गलती होती है, इंसान से ही गलती होती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।